नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। जी हाँ, बड़ौदा में उपचुनाव है और उसके मूड को समझने के लिए बड़ौदा हलके में जितने गांव हैं हर गांव में हम जा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे गांव में जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, ये है चौधरी देवी लाल सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, गोहाना स्थित आहूलाना। 2000 में ये चीनी मिल यहाँ पर बना और काम शुरू हुआ। इसकी कैपेसिटी जो है, इसकी क्षमता लगभग 25,000 क्विंटल के आसपास है, लेकिन जो यहाँ पे किसान हैं उनकी मांग है कि इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए और 35-40 हज़ार के आसपास की जाए। नंबर एक। नंबर दो, पिछले दिनों भी यहाँ पर किसानों ने जम करके विरोध किया था और इस बात का विरोध किया कि इस चीनी मिल में जो गन्ना आता है वो कई दफ़ा बाहर के किसान लेकर के आ जाते हैं और यहाँ के जो लोकल किसान हैं उनका ये कहना है कि पहले प्राथमिकता उनको दी जानी चाहिए। बहुत दिनों से 70 साल हो गए, कांग्रेस ने कभी बनवाया नहीं, कितनी सरकारें गई, कितनी आ गया, 370 तोड़ी इसने, तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे मोदी। इस चुनाव में उसका कोई असर पड़ेगा किसका? बिल्कुल सारा पड़ेगा जी। ये गटर गटर कमजोर मानते हैं, जब पूरा और ऊपर तय जो है दबाव है भाई का, मोदी ने को वोट आई है। हाईकोर्ट के भी फैसले हो लिए, जब भी नहीं बना हुजूर देख ले 64 चोरी से बहुत बढ़िया चुनाव पूरा असर पड़ेगा। धर्म के आधार पर बटेंगे, इसमें असर पड़ेगा पूरा पूरा। हाँ, इसमें ये जाति नहीं चले, इसमें धर्म के आधार से जो है होगा तो इसका, हाँ इसमें उपचुनाव में पड़ेगा, इसका 20% फर्क पड़ेगा दाम कम से कम। सारा जो यू राम मंदिर का सोचा मोदी ने वोट मिल जाएंगे और नहीं। थर्मामीटर बोलते हैं, अभी जैसे आप शुरू में बोल रहे थे कैंडिडेट देख के देंगे, तो हम लोग भी यही काम करते हैं ना सर, थर्मामीटर थोड़ा लगाते हैं, फिर थोड़ा अंदर लगाते हैं, फिर उसको 2 मिनट रखते हैं, तब टेम्परेचर पता चलता है कि 99 है कि 100 है। ये तो सर ऐसी बात है जी, हमारा टेम्परेचर तो जो जिसका वोट जाऊ ना आप मेरा कितना है उस टेम्परेचर का तो न पता है जिसकी वोट जाऊ है। हमारे गांव में बच्चे नहीं लगे थे, इस सरकार में रोजगार भी मिला बच्चों को, कम से कम 20-30 बच्चों को रोजगार मिला इस सरकार में, कांग्रेस में किसी को नहीं मिला। ये जमा गला रखे, ये भी तो काबिलियत के शब्द ला गए। हेलो, अरे बोलिए ना, हेलो माइक नहीं है। इस गांव की स्थिति यह है जी, मोदी की उस तक गहरा, खट्टर की उस तक नहीं गिरते वोट। ये खट्टर ने कोई काम नहीं कराया, ना काम की सड़क बनाई ना कुछ कराया, वोट मोदी की उस तक गहरा है, कति खली। हाँ, मोदी की उस तक गहरा है वोट, कति खली। हाँ, मोदी की उस तक है। ये कांग्रेस ने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया था, गांव में सिलेंडर भी हम 4 चक्कर काट के जब लेने जाया करते, 5वें चक्कर में सिलेंडर मिला करता, सिलेंडर 500 का आ करता, खर्चा 1500 हो जाया करता। योमरदाता फूल है, योमरदाता फूल बैठा है, वो बैठा 6,000 रुपये खाते में सारा दिन ताश खेल रहा है, 12,000 रुपये आ जाए साल में, बेड़ा पार हो जाएगा, 2,000 पिलफिण आ जाए है, 2,500 पिलफिण हो जाएगी, 5,100 हो जाएगी, कहे हैं
ये काम था रहा जी। ठीक है, तो कुल मिलाकर करके अब आप देखे, इधर इनको दिखाइए, इनमें थर्मामीटर लगाना पड़ा, इनमें थर्मामीटर लगाना 4 मिनट, उसके बाद कट्ठे फोटो उतार ले 10-15 मेरे सबका इकट्ठे आ गया। इसका थर्मामीटर को याद नॉर्म है और जब ना आ बनी अभी जाए देख लिए देख पा रहा है। थर्मामीटर का यही असर है और लगातार हम अलग अलग गांव में जा रहे हैं, सभी गांव में आपको लेके चल रहे हैं और वहां का मूड क्या है, मिजाज क्या है, किस पार्टी के लिए रुझान है और टेम्परेचर किस पार्टी के लिए है और किस पार्टी के लिए दिल धड़कता है, वो एक एक करके आपके पास पहुंचा रहे। कई बार होता है 4-5 मिनट थर्मामीटर लगाइए तब सही टेम्परेचर सामने आता है, जैसा यहाँ आया। लगातार देखते रहिए जनता टीवी और ये पब्लिक थर्मामीटर का कार्यक्रम लगातार बदस्तूर जारी रहेगा। मूड को समझने और समझाने का ये दौर है। कल के एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी और 2 गांव में और हम आपको लेकर के चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार देखते रहिए जनता टीवी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। शुक्रिया, नमस्कार।